सो गर्मियां आ गई हैं और इसका पता आपको अपने बिजली के बिल भरने पे पता लग ही जाएगा। वैसे जो लोग तो माँ बाप के घर पे रह रहे हैं उनको नहीं पता लगता, बिकॉज माँ बाप भरते हैं। ये बढ़िया था गुरु। एनीवे फालतू की पता छोड़ते हैं और बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की। तो गर्मी आ चुकी है तो मैं देख रहा था कि फ्रूट के तौर पे सिट्रस फ्रूट मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में, ऑरेंज, किन्नू, मौसमी, इनमें से मुझे क्या खाना चाहिए जो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है जिसमें शुगर कम है। तो आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग डेटा जो आपके भी काम आएगा, या आपके घर में कोई इवन डायबिटिक है उसके भी काम आ सकता है। और सब्सक्राइब कर लो यार अगर आपको हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन में इंटरेस्ट है। आज मैंने ये काफ़ी महीने बाद बात बोली है कि सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़ तो आप जान लो फिटनेस में या हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में कि होल फ्रूट खाना इज़ ऑलवेज बेटर देन कंज्यूमिंग जूस। एक ट्रेंड होता है एक टाइम पे 20 साल पहले, आज से कहते थे लोग जूस पी लो हेल्दी है। ठीक है, जूस इफ़ यू ड्रिंक इट वंस अ व्हाइल दैट इज़ फाइन, लेकिन इफ़ इट्स योर रेगुलर हैबिट कि आप डेली जूस पीते हो संतरे का, किन्नू का, ऐसे निकाल के, मना इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फ्रूट्स का फाइबर होता है वो आपको नहीं मिल पाता इफ़ यू कंज्यूम जस्ट जूस, क्योंकि फाइबर जो होता है वो फोक जिसको बोलते हैं बाहर रह जाता है, राइट? तो इस फाइबर को जो फ्रूट से आपको मिल रहा है आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, होल फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर आपकी जो बॉल मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है, वो स्मूथली पास होती हैं। एट द सेम टाइम आप लंबे समय तक भूख आपको नहीं लगती अगर आप फाइबर कंज्यूम कर रहे हो एज कम्पेयर टू सिर्फ आप जूस पी लेते हो। तो दैट इज़ व्हाई इट इज सजेस्टेड कि होल फ्रूट खाया जाए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। दूसरी बात, अगर आप फ्रूट खाने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल संतरा ही खा रहे होगे, ठीक है, तो एक संतरा अगर आप होल खाओगे तो आपको काफ़ी ठीक लगेगा, फीलिंग लगेगा। वर्सेस अगर आप जूस पीते हो तो एटलीस्ट आपको 3 संतरों का जूस पीना पड़ेगा, तब जाके वो आपको फीलिंग लगेगा थोड़ा बहुत, राइट? बट यू आर कंज्यूमिंग एक्सेस शुगर। सो आज ये जो डेटा मैं देख रहा था कि मौसमी, संतरा, किन्नू, इनमें से बेस्ट क्या है, तो मेरे लिए मैं ये करने वाला हूँ, मैं मौसमी को चूज़ करने वाला हूँ जिसे स्वीट लाइम भी बोलते हैं। रीज़न, इसमें शुगर बहुत कम है एज कम्पेयर टू संतरा। सबसे पहले मैंने जो मेरे पास मौसमी पड़ी थी उसको वेट किया, उसका छिलका उतार के जो मैंने वेट देखा, एक एवरेज साइज मौसमी का 130 ग्राम के करीब आता है। तो न्यूट्रिशन फैक्ट ऐसे मैं मैच कर रहा हूँ, तो एक मौसमी जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे मिलती है सिर्फ 2.3 ग्राम्स ऑफ शुगर, फ्रुक्टोस जिसको आप बोलते हैं, राइट? वर्सेज वहीं जब मैं ऑरेंज या किन्नो कंज्यूम करता हूँ तो मुझे मिलती है 14 ग्राम के करीब शुगर। देर इज़ ह्यूज डिफरेंस एंड दिस इज़ अ डे एंड नाइट डिफरेंस। ये चाहे आपके फैट लॉस गोल्स हैं या घर में आपके कोई डायबिटिक है, सो स्वीट लाइम मौसमी इज़ अ मच बेटर चॉइस। यूजुअली होता क्या है, हम लोग संतरे, मौसमी, किन्नू तीनों को एक ही कैटेगरी में डालते हैं बिकॉज सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू में काफ़ी फ़र्क है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संतरा खाना या किन्नू खाना खराब है, नो, मैं आपको फ्रूट शुगर के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ, सिंपली ऐसा बोल रहा हूँ कि मौसमी कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर दोज हु आर इन टू फैट लॉस वेज या घर में कोई डायबिटिक है आपके, ठीक है? बुजुर्ग होते हैं वो फ्रूट कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे फ्रूट्स खाते हो जिसमें शुगर कंटेंट बहुत लो है जैसे कि मौसमी मैंने बताया, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर। और यही गाइज, अगर आप हिसाब लगाइए, एक आप जूस पीते हो 3 मौसमियों का, अगर आप जूस पियोगे, टिपिकल ग्लास में 3 मौसमियाँ आती हैं, ठीक है, तो आपको टोटल 30 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे, राइट? और सिर्फ 7 ग्राम शुगर मिलेगी, ओके? वर्सेस 3 किन्नू का आप जब जूस पीते हो, किन्नू का जूस काफ़ी बिकता है यहाँ पे, अब गर्मी आ रही है बाहर सड़कों पे रेडी वाले खड़े होते हैं, उसमें आपको 3 किन्नुओं में से करीब 42 ग्राम शुगर मिलेगी और 50 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे, और विटामिन सी दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स अबाउट इट, सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सारी कई बार छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं अपने तक ही रखता हूँ, शेयर नहीं करता हूँ, वीडियो बना के कौन बताएगा, तो आज मैंने यही कोशिश की है। लेट्स सी इफ़ यू लाइक इट और नॉट, बता देना कमेंट्स में कि ऐसी वीडियो पसंद आती है कि नहीं जिसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। दिस इज दवान सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। आई वांट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी, आई वांट टू थैंक मी फॉर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क, आई वांट टू थैंक मी फॉर हैविंग नो डेज ऑफ।